Hello everyone, welcome to Dentozen. So today we are here with the new video on composition of saliva. So before we start, I want all of you to subscribe to Dentozen and also follow me on Instagram at Dentozen Insta. So let's begin. Start karte hain saliva ki composition. Ab hamare mouth mein jo saliva hai wo salivary gland se aata hai, lekin uske saath saath mouth mein bhi to bahut sari cheeze hain, to wo uske saath mix ho jati hain aur isko hum bolte hain whole saliva. So what is whole saliva? Whole saliva is mixture of the fluids which is secreted by all the salivary glands, major and minor, and other components. अब ये अदर कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं? ये हमारी ब्रॉन्कस से या नेजल सिक्रेशंस हो सकती हैं, जिंजाइवल क्रेविकुलर फ्लूइड जो जिंजाइवल सल्कस से आया है, ब्लड हो सकता है हमारे माउथ में, अगर वूंड्स हैं वहाँ से ब्लड आ सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स, सेलुलर कॉम्पोनेंट्स जो हमारे ओरल म्यूकोजा के सेल्स शेड हो जाते हैं, एंड फूड डेब्री जो हमने खाना खाया है उसके रेमनेंट्स. तो ये सारे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रेशन से मिक्स हो जाते हैं एंड बनाते हैं होल सलाइवा. अब ये सारा जो होल सलाइवा है ना, ये हमारे माउथ के फ्लोर में इकट्ठा हो जाता है. सो इट पूल्स इन द फ्लोर ऑफ द माउथ. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सलाइवा. डेली प्रोडक्शन इज 600 to 1000 ml. सो दैट इज योर वाइवा क्वेश्चन. हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड पर डे? इट इज अबाउट 600 to 1000 ml पर डे. अब ये जो है पूरा का पूरा, इसमें 60% कंट्रीब्यूशन है सब मैंडिबुलर ग्लैंड की. सो मैक्सिमम सब मैंडिबुलर ग्लैंड काम कर रहा है. 30% इज फ्रॉम पैरोटिड ग्लैंड, 7% इज फ्रॉम सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो बेचारे माइनर छोटे छोटे माइनर सलाइवरी ग्लैंड है ना, उनकी कंट्रीब्यूशन भी माइनर सी है, अबाउट 3%. नाउ लेट्स सी द फ्लो रेट ऑफ दिस सलाइवा, कि हमारे माउथ में किस स्पीड से चलता है. तो जब हम रेस्ट पे होते हैं, चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तब इसकी स्पीड होती है कम, 0.2 to 0.4 ml per minute. लेकिन जब हमारे सामने आता है अच्छा अच्छा सा फूड, जलेबी आती है, गुलाब जामुन आती है, तो इसका स्टिमुलेशन हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी सलाइवा आना शुरू होता है, उसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड फ्लो रेट. तो ये होता है 2 to 4 ml per minute. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ सलाइवा. जब भी पीएच ऑफ सलाइवा बताना है ना, इट इज ऑलवेज इन द रेंज, ये फिक्स नहीं है. इट इज 6.7 to 7.4. कुछ टेक्स्ट में थोड़ी डिफरेंट दी हुई है, बट यू कैन ऑलवेज मेंशन इट एज 6.7 to 7.4. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.002 to 1.012. नाउ लेट्स सी, लेट्स कम टू द मेन पार्ट, कि सलाइवा के अंदर है क्या क्या. ये जो सारे हमने कॉम्पोनेंट्स देखे हैं, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कितनी परसेंटेज है. तो ये जो सलाइवा है, इसमें मैक्सिमम है हमारा वाटर, 99 to 99.5% इज वाटर, और जो बाकी के छोटे छोटे 0.5% to 1% है वो है सॉलिड्स. अब ये सॉलिड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, ऑर्गेनिक जो मेनली प्रोटीन्स होते हैं, और ये 60% हैं. इनऑर्गेनिक जो मेनली आयंस हैं, ये 40% है. इसके अलावा थोड़ी सी अमाउंट में हमारी गैसेज हो सकती हैं, थोड़ी सी अमाउंट में ट्रेसेस में. और अब देखते हैं कि ये सब जो सॉलिड कॉम्पोनेंट्स हैं, इनकी डिटेल्स, यानी कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ऑर्गेनिक में मेनली आते हैं हमारे प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स. अब ये प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अमाइलेज, लाइसोजाइम, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकते हैं सलाइवा में. देन वी कैन हैव ग्लूकोज, सिट्रेट, लैक्टेट्स. देन वी कैन हैव अदर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ट्रेटिनाइन, कोलेस्ट्रोल, साइक्लिक एमिड्स. देन विटामिन आ सकते हैं हमारे, वाटर सॉल्यूबल विटामिन, एपोइरिथिन जो हमारा विटामिन B12 के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की तरह एक्ट करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. तो ये सारे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे सलाइवा में पड़े होते हैं. अब इनमें जो मेनली प्रोटीन्स हैं, उनको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे. तो हर प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, अमाइलेज. ये हमारा एक ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मिक्सचर है, जो कि हमारा मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम है सलाइवा का. ये डाइजेशन में हेल्प करता है. किसकी डाइजेशन में? कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में. तो स्टार्च के अंदर जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसकी पॉलीसेक्राइड चेन्स में जो हमारे अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ देता है. सो इट हाइड्रोलाइसिस अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स. और ये कहाँ से आता है? एसिनाइज, जो हमारे एसिनार सेल्स हैं, और इंटरकेलेटेड डक्ट के सेल से. ये हायर, इट इज हायर इन पैरोटिड ग्लैंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इज लिंगुअल लाइपेस. अब यहाँ पे लिंगुअल लाइपेस, इसके नाम में ही दो चीज़ें मिलती हैं. लिंगुअल मतलब लिंगुअल ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है, लाइपेस मतलब ये फैट को तोड़ रहा है. सो इट इज फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स, फैट के ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स एंड 1-2 diacylglycerol में.
So amylase, which is also known as tylin, and lingolipase, these two are the important digestive enzymes. Now let's see about the other proteins. Lysozyme, जिसको हम myrimidase भी बोलते हैं, ये lyso कर रहा है, मतलब किसी चीज को तोड़ रहा है. So किसको तोड़ रहा है, ये किसकी lysis कर रहा है? Bacteria की cell wall की. ये enemy के against act कर रहा है, bacteria जो है उनकी cell wall को तोड़ रहा है. So it is antibacterial enzyme. अब ये कहाँ से मिला था? Intercalated duct के cells ने बनाया था, और ये submandibular gland में higher होता है. और हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है लैक्टोफेरिन. फेरिन इज आयन, सो इट इज आयन बाइंडिंग प्रोटीन. ये जितना भी स्लाइवा में आ रहा है फ्री आयन पड़ा है ना, उसके साथ बाइंड कर जाता है. तो जब फ्री आयन को इसने हटा ही दिया, तो बेचारे बैक्टीरिया को तो फ्री आयन मिलेगा ही नहीं. सो इट दस डिप्लीट्स द सप्लाई ऑफ दिस फ्री आयन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ. तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो एन एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस और एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन. नेक्स्ट इज सालोपरऑक्सीडेज, ये भी हमारा एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस है. ये हमारे salivary thiocyanates को hypothiocyanates में convert कर देता है. Other important proteins are glycoproteins. Glyco, carbohydrate side chains हैं उसमें. इनको पहले mucins कहा जाता था. ये molecules protein core से बने हैं, center में protein है, और 75 to 85% ये molecule carbohydrate से बना है, जो कि side chain बनाता है. अब ये carbohydrates हो सकते हैं galactose, glucosamine, lactosamine. ये glycoproteins हमारे proteolytic enzyme से resistant होते हैं. Then other proteins are immunoglobulins. Immunoglobulin A mainly जो हमारा saliva में पड़ा है ना, वो थोड़ा सा different है serum के IgA से. और इसी के साथ मिलता है आपको viva question that how it is different from that of serum. एक तो ना ये dimer form में पड़ा है, मतलब कि दो molecules इकट्ठे जुड़े हुए पड़े हैं J chain से, लेकिन plasma में single ही होता है. और इसका molecular weight भी ज़्यादा है जो हमारे serum IgA है. So that is how it is different. So IgA, it is combined with the secretory piece also. इसको हम transport piece बोलते हैं. और ये secretory piece antigenic होता है, मतलब ये antigen की तरह act कर सकता है. तो ये जो immunoglobulin A है, ये saliva में कहाँ से आता है? ये salivary gland में enter करता है plasma से, या हमारे जो ducts के अंदर plasma cells पड़े हैं वो इसको बनाते हैं. So here gets you important, you get your important viva question that how IgA in saliva is different from that of this serum. Next is blood proteins, जो कि traces में पड़े हैं 1%. Albumin, immunoglobulin G, immunoglobulin M, transferrin, lipoproteins. अब ये IgG और IgM जो हैं, ये हमारे GCF से आ सकते हैं, gingival sulcus के fluid से आ सकते हैं. अब quickly हम देखते हैं कौन कौन से enzymes हैं, इनकी list देख लेते हैं जल्दी से. Enzymes present in saliva, salivary amylase जो हमने अभी पढ़ा, acid phosphatase, esterase, cholinesterase, aldolase, lysozyme जो bacteria को तोड़ रहा है, lysis कर रहा है, glucuronidase, succinic dehydrogenase, peroxidases, carbonic anhydrase and calicrin. अब कुछ enzymes हमारे आते हैं floor of the mouth में, या फिर oral tissues से. तो ये हैं alkaline phosphatase, catalase, hyaluronidase, proteinases, urease, deaminases and enzymes which convert carbohydrate to lactic acid. So ये सारे enzymes हमारे saliva के अंदर पड़े हैं. नेक्स्ट वी कम टू द अदर पॉलीपेप्टाइड्स. अब इन सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स के अलावा कुछ पॉलीपेप्टाइड्स पड़े हो सकते हैं, जैसे कि स्टैथरिन. स्टैथरिन एक तरह का फॉस्फोप्रोटीन है. अब इसका काम क्या है कि ये जो हमारे स्लाइवा में कैल्शियम और फॉस्फेट पड़े हैं ना, इनऑर्गेनिक वाले जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ये सुपर सैचुरेटेड स्टेट में पड़े होते हैं, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है. तो ये जब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, तो कैल्शियम फॉस्फेट के प्रेसिपिटेट भी तो बनने चाहिए ना, मतलब कि ये निकल के आ सकता है बाहर, लेकिन स्टैथरिन उसको प्रेसिपिटेट नहीं होने देता. तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो इनिबिट करता है कैल्शियम फॉस्फेट की सुपर सैचुरेटेड स्टेट को प्रेसिपिटेट होने से. तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है जो हम आगे पढ़ेंगे कि ये सुपर सैचुरेटेड क्यों है, ऐसा क्यों है. तो ये इनिबिट करता है कैलकुलस फॉर्मेशन इन ग्लैंड्स, क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्लाइवा से बाहर नहीं आने देता, प्रेसिपिटेशन को रोकता है. नेक्स्ट इज साइलिन. साइलिन एक तरह का टेट्रापेप्टाइड है. अब ये इसका क्या फंक्शन है कि ये बैक्टीरिया इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन ये रेगुलेट करता है पीएच, प्लाक की पीएच. जो प्लाक है, ये एक बायोफिल्म है, हमारे टूथ के ऊपर एक फिल्म पड़ी होती है जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसकी पीएच को रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है. तो ये है हमारे अदर पॉलीपेप्टाइड्स, स्टेथरिन एंड साइलिन. नाउ लेट्स सी एग्लूटिनोजेंस ए बी एंड ओ, जो कि हमारे साइड चेन्स में पड़े हैं स्लाइवी ग्लाइकोप्रोटीन्स की, और ये 80% पीपल में होते हैं. अब इनका ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि अगर ये हमें स्लाइवा में मिल जाए,
कहीं से तो हम ब्लड ग्रुप बता सकते हैं. सो इनकी एक्टिविटी सलाइवा में बहुत ज़्यादा है, इट इज़ सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द ब्लड. इसी वजह से इनकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है, इसको यूज़ किया जाता है लीगल पर्पजेज़ के लिए. कैसे? अगर कोई क्राइम सीन है, वहाँ पे किसी ने अपना सलाइवा छोड़ दिया वेसल के ऊपर, ग्लास के ऊपर या सिगरेट के ऊपर, तो उस सलाइवा को अगर हम इकट्ठा कर लें और उसमें हमें ये प्रोटीन मिल जाएँ और हमें उनके ए बी या ओ पता चल जाए, तो हम डिटरमिन कर सकते हैं उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप और हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये देखा गया है कि ये वाले जो ए बी ओ हैं, ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें मिलती है माइनर और सबलिंगुअल ग्लैंड से. नेक्स्ट वी कम टू द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब इसमें मेनली हमारे हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अभी हमने पढ़ा था कि सुपर सैचुरेटेड स्टेट में रहते हैं. That means the concentration of calcium and phosphorus are more in saliva than that in the plasma. Super saturated, बहुत ज़्यादा है. अब इसका क्या significance है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा calcium और phosphorus है, और हमारा tooth भी तो calcium से बना है ना, तो जब भी अगर tooth के ऊपर bacteria attack करेंगे तो ये calcium phosphorus हमारे tooth को बचा लेंगे. तो इनकी importance है dental caries में और कैलकुलस फॉर्मेशन में. अगर इनकी प्रेसिपिटेशन को ना रोका गया तो कैलकुलस भी तो जमा हो सकता है टूथ पे. सो लेट्स सी डेंटल केरीज क्या है. डेंटल केरीज में जब हमारा एपेटाइट जो है टूथ के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टल्स हैं वो डिसोल्यूट होने शुरू हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं. कब होते हैं? जब हमारी पीएच लो हो जाती है. हमारी नॉर्मल पीएच 6.7 टू 7.4 है. अगर पीएच कम हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो ये मिनरल ना बाहर आ जाएंगे. तो ये पीएच से रिलेटेड है और कैल्शियम फॉस्फेट की कंसंट्रेशन से रिलेटेड है. मतलब अगर कैल्शियम फॉस्फेट पड़ा है सुपर सैचुरेटेड स्टेट में तो ये बचा लेगा, डिसोल्यूशन नहीं होने देगा. सो अगर ऐसा नहीं हो पाए, इतनी पीएच गिर जाए और डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जाए, तो उस पीएच को बोलते हैं क्रिटिकल पीएच. हियर यू गेट योर अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिटिकल पीएच? वो पीएच जिस पे हमारे कैल्शियम फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन सुपर सैचुरेटेड नहीं रहती और ये टूथ को बचा नहीं पाते. सो द पीएच एट विच एनी पर्टिकुलर सलाइवा सीजेस टू बी सैचुरेटेड एंड बिलो दिस वैल्यू, इनऑर्गेनिक मटेरियल जो हमारे कैल्शियम फॉस्फेट आयंस हैं वो टीथ में से डिजॉल्व होना शुरू हो जाए, बाहर निकलना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पीएच. और ये कौन सी पीएच पे होता है? 5.5 टू 6.5 इज द रेंज. बट फॉर योर वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिटिकल पीएच? इट इज 5.5. मतलब इसके नीचे जब पीएच चले जाएगी सलाइवा की तो केरियस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द अदर इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कैल्शियम फॉस्फोरस के बारे में तो इतनी बात कर ली, इसके अलावा अदर डिटेक्टेबल अमाउंट्स में है सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सल्फेट, आयोसाइनेट्स, और माइन्यूट ट्रेसेस में हमारे पास हैं फ्लोराइड्स, आयोडाइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइट, आयरन, टिन एंड अदर ट्रेस एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन सम सैम्पल्स लाइक जिंक, लेड, कॉपर, क्रोमियम. तो ये सारे हैं हमारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. इसके अलावा एपिथेलियल सेल्स हो सकते हैं जो हमारे बगल में कोजा के स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है, शेडो के आ जाते हैं, ओरल कैविटी में से आ सकते हैं. इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, मोस्टली पॉलीमॉर्फ्स जो हमारे जिंजाइवल फ्लूइड से आते हैं, जिंजाइवल ग्रेविस में से पॉलीमॉर्फ्स हमारे सलाइवा में आ सकते हैं. ये हमारे इन्फेंट्स और ईडेंचुलस एडल्ट्स में नहीं मिलते. और बैक्टीरिया भी तो हो सकते हैं. तो बैक्टीरिया होते हैं सलाइवा में बहुत सारे. कितने होते हैं? अबाउट 10^8 बैक्टीरिया पर ml ऑफ सलाइवा. मोस्ट ऑफ दीज आर फैकल्टेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया. अब गैसेस, हमने पढ़ा था कि माइन्यूट अमाउंट में गैसेस हो सकती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पोजिशन में है कि मेन बफरिंग सिस्टम क्या है सलाइवा का, बफर्स जो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं जब पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक पीएच को, तो ये हैं हमारे बाइकार्बोनेट आयंस. हियर गेट्स यू इंपॉर्टेंट, यू गेट योर इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन, विच आर द मेन बफरिंग सिस्टम्स ऑफ सलाइवा? सो बाइकार्बोनेट आयंस. उसके अलावा फॉस्फेट्स एंड प्रोटीन्स कैन ऑल्सो एक्ट एज बफर्स. देन we come to the factors which control this composition of saliva. हमने देख लिया कि saliva में क्या क्या है, water है, solid है, organic और inorganic solids हो सकते हैं and gases हो सकती हैं. but ये saliva में ये जो सारी चीज़ें हैं क्या हमेशा same amount में रहती हैं? नहीं, ये है variable. तो कौन कौन से factors इसको control कर सकते हैं? rate of flow, हमारा flow rate कैसा है saliva का, stimulus कितना है और stimulus का nature कैसा है, intensity कितनी है, कितनी देर के लिए वो रहता है. इसके अलावा हमने डाइट कैसी ली है, हॉर्मोन्स कैसे हैं,
टाइम लैप्स कितना हुआ है जब हमने सलाइवा को कलेक्ट किया और जब हमने पीएच मेजर किया या कॉम्पोजिशन उसका देखा, कौन से मेथड से हमने मेजर किया, मेथड यूज़ किया, एंड सर्कैडियन रिदम. सो ऑल दीज फैक्टर्स कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा. नाउ लेट्स सी क्विकली व्हाट इज सर्कैडियन रिदम. सर्कैडियन रिदम एक तरह की रिदम है. दैट मीन्स कि हमारे जो सलाइवा का फ्लो है ना, वो एक रिदम फॉलो करता है. मतलब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक रिदम है, मतलब बढ़ता है और फिर कम हो जाता है. तो कब बढ़ता है? ये दिन के टाइम में बढ़ता है. सो इट इज़ मैक्सिमम इन अबाउट 2 to 4 PM. लेकिन जब हम सो जाते हैं रात में तो सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है. सो इट इज़ मिनिमल ड्यूरिंग मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग टाइम. सो एक इसकी पीक है जहाँ पे ये मैक्सिमम रहता है सलाइवा सिक्रेशन, एंड एक टाइम पे ये कम रहता है अर्ली मॉर्निंग में. सो हमेशा ऐसे ही चलता रहता है. मॉर्निंग में कम हो जाता है और फिर दोपहर में बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है. सो दिस रिदम इज कॉल्ड सर्कैडियन रिदम ऑफ सलाइवा फ्लो. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई तो प्लीज़ लाइक बटन पर टैप करें और मेरे चैनल को फॉलो करें. हेल्प मी ग्रो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.